जय शनिदेव भक्तों, मनु भैया जी का प्रणाम स्वीकार करें। जय शनिदेव, आपसे एक गुफ्तगू करते हैं या आपसे रब्ता करते हैं, बताते हैं आपको कि आप लोग जो भी जप कराने के लिए नाम लिखा रहे हैं, पहली बात तो बहुत सारे लोग उनमें से ठीक हैं, वो बता भी रहे हैं हम ठीक हैं, 1-2% रह रहे हैं, 1-2% का मतलब आप लोग जानते ही हैं, लेकिन वो लोग भी तीन तीन जगह पे यानी कि तीनों हमारे नंबर पे व्हाट्सएप डाल रहे हैं, तो उससे हमें जो है ढूंढने में दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है और बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। तो आप लोग केवल एक ही नंबर पर व्हाट्सएप करें अपना नाम और वो जो हमने बोला है, अगर स्त्री है तो नाम, पति का नाम, गोत्र और कहाँ रहते हैं ये, और अगर पुरुष है तो अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र और कहाँ रहते हैं ये। तो इस तरह से जो है ना आप ये, एक तो इससे कन्फ्यूजन वो नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं और हम आसानी से ढूंढ सकेंगे। बहुत ही कम लोग हैं वैसे अभी तक हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा 50 के लगभग ये जो है ना कॉल आई है और हमने 50 के लगभग लोगों के नाम लिखे हैं। 10 से 5 लोग पिछले वाले हैं, उनके भी हमने नाम लिख लिए हैं जो पहले वाले हैं, और आप लोग घर बैठे हैं उनमें से भी काफ़ी सारे लोग ठीक हो गए। और ये जो 2 दिन हमने जप किया है बहुत ही अच्छा गया। दूसरा, कोई भी व्यक्ति आप में से धाम में आने की कोशिश ना करें, क्योंकि जहाँ पे हमारा धाम था वो तो चेंज हो चुका है, जहाँ आप आना चाहते हैं वहां भी ना आए, क्योंकि वैसे हमने न्यू लोकेशन डाली हुई है लेकिन आना किसी को भी नहीं है, सबके लिए आना जो है वो वर्जित है। धाम में वर्जित इसलिए, जिसको मैंने कल का भी टाइम दिया वो भी ना आए, वो भी पूछ के और क्या कहते हैं दूर से ही अपना जप कराएं। क्यों? क्योंकि कोरोना काल के चलते, कोरोना के बढ़ते हुए कदम जो है वो हमें रोकने हैं। अभी मैं वैसे भी एक जो है खबर देख के आया था, उसमें लिखा हुआ था कि बाबा के पास गए तो झाड़ फूक कराने थे और लेके लौटे कोरोना। और आप जानते हैं फिर न्यूज चैनल वाले कैसी कैसी खबरें बनाते हैं। ठीक है, इसका जो मेन टाइटल था ये था बाबा का कोरोना किस, इसका ये टाइटल था मेन। और लेकिन फिर भी हम जो है बहुत सैड हैं, हम चाहते नहीं किसी को भी ये बीमारी लगे। वैसे हमने सारे प्रबंध कर रखे हैं, हमारे पास आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर नापने का यंत्र आ चुका है और सारा का सारा जो है हमने, हमारे पास जो है सैनिटाइजर है बहुत मात्रा में, जिसको हम जो है पूरे शरीर को भिगा देते हैं आपके, लेकिन इन सब साधनों से भी ये नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता, इसका एक उदाहरण मैं बता देता हूँ आपको कि दुनिया भर के डॉक्टर पूरी की पूरी पीपीई किट पहन के भी कोरोना को आने से नहीं रोक पा रहे, और कितने डॉक्टरों को, कितने नर्सिस को और कितने मेडिकल स्टाफ को ये हो गया है। और वो लोग जो है क्या कहते हैं, फिर एक जगह रह के अपने आप को ठीक करा के और तब ही वापस जो है उस क्षेत्र में लौट रहे हैं, वरना तो बहुतों ने तो आराम ही कर लिया है। तो मेडिकल लाइन में मेडिकल के जो लोग हैं वो भी चाहके हर तरह के साधन उपयोग करके, उपभोग करके वो अपने आप को नहीं बचा पा रहे। तो आपकी ऐसी स्थिति हो, आपको ये बीमारी घेर ले, ठीक है, मैं दावा नहीं करता, क्योंकि जो बीमारी होती है, जो आपदाएं होती हैं वो इसी तरह से आती हैं संसार में और वो बहुतों का काल बन के आती है, और वो काल चक्र में हमें सबको लील ले, ऐसा हम नहीं होने देना चाहते। तो ऐसा जो है इलाज से परहेज बेहतर है, तो इसका परहेज करें और अपने घर पर ही रहे, सुरक्षित रहें, हम आपका दूर से जप कर देंगे। आप अपने हमारे किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप करें और उस व्हाट्सएप में केवल एक ही बार नाम लिखें, अपना, पिता का, गोत्र और कहाँ रहते हैं, बस ये चीज़ लिखें। हमारे बोधराज जी जो है डायरी बनाने लग रहे हैं, वो आपका नाम लिख लेंगे। हर रोज़ हम 3 से 4 घंटे उन सब लोगों के लिए जप कर रहे हैं, वैसे 6 घंटे जप कर रहे हैं, 3 घंटे पुराने वालों के लिए और 3 घंटे 4 घंटे नए वालों के लिए। तो इस तरह से हम 7 घंटे लगातार जप कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आप परेशानी ना उठाएं, जहमत ना उठाएं और केवल आप एक ही काम करें। अगर आपकी कोई क्रिया होनी है तो आप ऑनलाइन अपनी क्रिया करा लें या ऑनलाइन अपने आप को चेक करा लें, उसमें भी आप केवल व्हाट्सएप वॉइस कॉल करें, वीडियो कॉल की जरूरत पड़ेगी तो हम आप ही कर लेंगे अगर आपको दिखाना है तो व्हाट्सएप वॉइस कॉल ही करें जिससे, और अपने समय का, अपनी बारी का इंतजार करें। अगर आपका नंबर आज नहीं आता है तो कल आ जाएगा, आप घबराए नहीं। लोग बहुत मात्रा में ठीक हो रहे हैं, बहुत तहत में ठीक हो रहे हैं, हम इसका दावा करते हैं, वादा करते हैं आपको कि आपका जो भी थोड़ा बहुत भी पैसा हम ले रहे हैं या लगा रहे हैं उसको मंदिरों पे लगा रहे हैं, अभी इसी पूरे सीजन में हमने तकरीबन 20 लाख रुपया आप लोगों से जो इकट्ठा किया, कलेक्ट किया, वो मंदिर में लगाया, उसका बहुत अच्छे से दान किया और उसको सही हाथों में पहुँचाया,
जिससे आप लोगों को उसका पुण्य मिला और आपकी प्रेत बाधाएं खत्म हो गई, बिल्कुल नष्ट हो गई और आपके घर में सुख आया, शांति आई। और आज भी एक बहन जी ऐसी आई थी, अभी बता रही थी मुझे कि वो ठीक हुई, उनके पिता ठीक हुए और बहुत सारे लोग ऐसे ही ठीक हो रहे हैं और ठीक होने वालों की संख्या आप मनु भैया के धाम पे जानते ही हो। हमें अगर किसी व्यक्ति को हमारे कारण कोई परेशानी होती है तो हम उसकी जिम्मेवारी भी लेते हैं, हम चाहते हैं किसी को परेशानी ना झेलनी पड़े। और आज जैसे कोई व्यक्ति परिवार को लेकर आगरा से यहाँ पर आया, अगर वो दूर से भी अपना कार्य करा लेता तो भी ठीक था, उचित है। हाँ, अगर किसी के पास कोई भाई बहन ऐसा है जिसके पास अपनी क्रिया के पैसे नहीं है, हकीकत में वो अपना नाम पता लिख के भेज सकता है, उसका भी हम जरूर जाप करेंगे और वो बिल्कुल ठीक होगा। तो हम हर तरह से मदद के लिए तैयार हैं। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सदा सदा सुखी रहें। जय शनिदेव, शनिदेव महाराज की कृपा दृष्टि आप सब लोगों पर बने रहें और इस भयंकर बीमारी की चपेट में आप ना आए और अपने घर पर क्वारंटाइन रहें, सुरक्षित रहें, अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रहें। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।